नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े रसद विभाग के अधिकारी के घर में घुसकर उनकी पत्नी अनामिका की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। पति के आने पर घटना की जानकारी हुई। परिजन उन्हें लहूलुहान हालत में सहारा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत तक घोषित कर दिया। पुलिस की माने तो छोटा भरवारा गांव स्थित अर्बन स्कूल के पास एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्या के कारणों और हत्यारों के विषय में पता लगाया जा रहा है। घर में घुसकर महिला की हत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े हत्या से लोग सकते में हैं। वही घटना की सूचना पर चिनहट गोमती नगर विस्तार और बीबीडी थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज तक खंगाल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हम 1 बजे 12:40 पे गए थे लड़की को स्कूल से लेने। वहाँ से आए तो सीधे हम चले थे, दरवाजा अभी का बंद था, वो खुला नहीं रखती, बंद रखती हमेशा। तो हम ऐसे चले आए, सीढ़ी से चढ़ते हुए हम चले आते हैं। तो मोटर पर चलवा ऐसे होता तो पावर लगा दो, नहीं लगाते, सोया करती बाबू को, ऐसे चला करती उनकी। तो फिर ऐसे बुलाने लगी, लोगों का खाना खिला रहे थे, तो कहने लगी, हमारे हस्बैंड भी बैठे थे, तो कह रहे हैं कि पुजाओ पुजाओ। तो हम कह ऐसे बाबू ले चिल्ला रही होंगी, सरदारी करती तभी चिल्लाते। तो ऐसे हम कहने लगे बस हम अभी जाएंगे, ऐसे बोल रही हैं। तो फिर बाबू को भाई 6-7-10 मिनट के बाद हम कहें देखे जाके, कहा भाभी बोल रही हैं कि आओ जल्दी। जब तक हम गए तब तक के वहाँ पे तो भाभी ऐसे पड़ी थी, तो हम इतना घबरा गए तो सबको बुलाने लगे, कोई नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड भी गए साथ आगे से, वो भी देखे तो चिल्लाने, सबको अगल बगल वाले को बुलाने लगे, उसको नहीं देख पाए जो मार के गए। तो सब लोग धीरे धीरे से आने लगे, इकट्ठे हो गए। दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या भी जहाँ की गई है वो है भरवारा गाँव। इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। ये जो घर देख रहे हैं, ये घर का जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये वही दरवाज़ा है जहां पर वो महिला अंदर रह रही थी। दिन में वो घर में अकेली थी, उसी दौरान बदमाश घर के अंदर घुसा और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मौके से बदमाश भाग निकला। फिलहाल जिस तरीके से मौके पर पहुंची पुलिस ने उस महिला को पहले तो घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या की गई, ये जो महिला है इसकी जो हत्या हुई है ये मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है। इसके साथ ही जो मृतक की का पति है वो रसद विभाग में तैनात है। फिलहाल जिस तरीके से सरकारी विभाग में तैनात युवक की पत्नी की हत्या की गई, इसको लेकर पुलिस भी मामले में तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे बदमाशों का पता चल सके। हत्या के पीछे वजह क्या है ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो घर के अंदर की तस्वीर है वो तस्वीर बताती है कि घर के अंदर लूटपाट के दौरान हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने अभी लूट की घटना से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश के बाद ही इस मामले का खुलासा होगा कि आखिर उसकी हत्या के पीछे वजह क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो दिन दहाड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला के घर में बदमाश घुसते हैं और उसकी गला रेतकर हत्या तक कर देते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, प्रदेश में कानून का राज कायम है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार के जो रैलियों में वो भाषण के जरिए जनता को संबोधित करते हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि आखिर बदमाश किस तरीके से घर में घुसे हैं, क्या ये बदमाश जान पहचान वाले थे या फिर ये कोई चोरी या डकैती की घटना है, इसका खुलासा तो पुलिस की जानकारी में ही होगा, पुलिस की जांच में ही होगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस